गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज नहीं। हाँ बेटा म्यूट था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा। सर एक क्वेश्चन था। पूछो सर, अगर जो अर्थ है वो सडनली श्रिंक हो जाए और अपने प्रेजेंट साइज के अगर हाफ हो जाए तो उसके छोटे जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा? जी की वैल्यू पर घूमने का तो कोई इफेक्ट मत लगाओ, क्योंकि वो रोटेशन का इफेक्ट अलग होता है, साइज का अलग होता है। तो अगर आप जी की वैल्यू पर इफेक्ट लगा रहे हो श्रिंक होने का, तो श्रिंकिंग में बेटा मास तो चेंज होगा नहीं, तो हम स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर लगा देंगे। जी एम अपॉन आर स्क्वायर में मास सेम है, रेडियस हाफ कर दिया तो ग्रेविटी 4 times हो जाएगी, ग्रेविटी 4 times हो जाएगी बेटा, 4 times। सर बट वैसे बुक में ना वही आंसर है, मतलब 9.8 ही होगा ऐसा बोल रहे। मुझे लग रहा है तुम है ना क्वेश्चन, 2 questions तुमने शायद मिक्स कर दिए, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि एक तो हम ये पूछते हैं ओमेगा कितना हो जाएगा, तो अगर ओमेगा वाला क्वेश्चन करते हैं तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। इसमें भी ये वाला क्वेश्चन होता है कि अगर अर्थ श्रिंक हो जाए और अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा श्रिंक होने से, तो ओमेगा 4 times हो जाएगा। ढंग से सुनना, अब ओमेगा के 4 times होने से जी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो जी का ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो साइज का ही पड़ेगा, और वहां पर हम जी एम अपॉन आर स्क्वायर ही लगाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो श्रिंक होने का घूमने पर ओमेगा पर इफेक्ट अलग तरीके से पड़ता है, जी पर अलग तरीके से पड़ता है। तो मुझे क्वेश्चन में छोटे जी पर, हाँ छोटे जी की ही बात कर रहा हूँ, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उस पर तो कभी इफेक्ट आ ही नहीं सकता है ना। सर आपको क्वेश्चन सेंड करो कि डाउट वाले दिन में भेजो? क्वेश्चन सेंड करके देख ले एक बार, चल मैं और रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा अलग है सर, स्टडी मटेरियल का है। मुझे एक बार क्वेश्चन दिखाओगे बेटा तभी पता लगेगा, इसने जो बोला उसके हिसाब से आंसर 4G आएगा बस। फिर भी एक बार देख लूंगा, सेंड कर दो एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। द वैल्यू ऑफ जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज 9.8। Suppose the earth suddenly shrink uniformly to half its present size. अब देख, ये size word बहुत गलत है। कभी भी लिखते हैं ना present size। अब size को मैं radius मानूं या volume मानूं? ये language मुझे अच्छी नहीं लगती। Clear लिखना चाहिए था कि यहाँ पर size का मतलब volume है या radius है। The value of g at the same point. अच्छा बेटा एक बात बताऊं, चल मैं अभी इसको रेडियस ही मान लेता हूं, है ना, रेडियस ही मानता हूं साइज को। पर एक बात तेरे ढंग से देखा, लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन मंगवाता हूं। इधर देख, इसमें बच्चों सारे लोग ढंग से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर अर्थ अचानक सिकुड़ जाए, अगर अर्थ अचानक सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, बेटा श्रिंक होने में मास चेंज नहीं होता, ठीक है, अगर अर्थ अचानक श्रिंक हो जाए तो अब देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, उसी पॉइंट पर ग्रेविटी कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? बच्चों ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। कैसे अलग है मैं बताता हूं। देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी आपको दिख रही है डायग्राम में, अब आपको इस पॉइंट पर ग्रेविटी निकालनी है, तो ग्रेविटी कितनी आएगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटी आ गई। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ढंग से सुनना, हम मैंने अर्थ को श्रिंक करके रेडियस को आधा कर दिया, बच्चों रेडियस को मैंने आधा किया है,
लेकिन वो पॉइंट वहीं रह गया। जतिंदर तुम्हारे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, सेम पॉइंट पर ग्रेविटी बताओ। बेटा सेम पॉइंट तो अभी भी अर्थ के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है ना, तो अगर हम उसी पॉइंट पर ग्रेविटी निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा जी। बट अगर वो कहता अब अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी बताओ, तो बेटा सरफेस पर ग्रेविटी बताने के लिए हमें अंदर आना पड़ता, वहां पर फिर हम डिस्टेंस को आर बाई टू लेते तो ग्रेविटी हो जाता चार गुना। तो ये डिफरेंस है, ठीक है? यस सर। हाँ बच्चों एक मिनट में म्यूट करूंगा फिर आता हूं। हाँ बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना आपको अब? यस सर। ठीक है तो मेरी बात समझ में आई गई, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? अगर वो उसी पॉइंट पर ग्रेविटी पूछता है जिस पॉइंट पर पहले निकाला है, तो ध्यान रखिए अर्थ भले ही अंदर चली गई लेकिन उस पॉइंट का डिस्टेंस अभी भी कैपिटल आर है तो ग्रेविटी सेम आएगी। लेकिन अगर वो कहता है कि अर्थ के सरफेस पर कितनी ग्रेविटी होगी, तो बेटा सरफेस वाला पॉइंट अंदर आ गया इसलिए वहां ग्रेविटी चार गुना हो जाएगी। कंफर्म करो अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को यहाँ खत्म करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन ये। यस सर। चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा नहीं बचा, कल बता रहा था मैं आपको दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज बहुत पास होते हैं, दूसरे सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। जो अर्थ के बहुत पास होते हैं उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, पोलर सैटेलाइट। उनकी ऊंचाई लगभग 100 किलोमीटर होती है, उनकी वेलोसिटी अंडर रूट जी आर 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और टाइम पीरियड लगभग 84.6 मिनट होता है। और जो दूसरे सैटेलाइट होते हैं उन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये बेटा हर तरह के कम्युनिकेशन में काम आते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपको वो क्या बोलते हैं क्रिकेट मैच देखना है, इंटरनेट है, ये सब कुछ उसी के थ्रू होता है बेटा, ठीक है? और उनकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है और उनका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। जितनी तेज पृथ्वी घूमती है उतनी ही तेज वो घूमते हैं, ताकि पृथ्वी से हमेशा स्थिर दिखाई दें, स्टेशनरी नजर आए। इनकी वेलोसिटी लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक और बात, ध्रुवीय उपग्रह कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन भू स्थिर उपग्रह जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, वो केवल इक्वेटोरियल प्लेन में ही घूमते हैं, भूमध्य रेखीय तल में घूमते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर होते हैं बस। तो ये सब मैंने आपको कल पढ़ा दिया। बच्चों कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर लेते हैं सैटेलाइट पर, अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है? हाँ बेटा सुनो, बच्चा एक सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड टी है, एक उपग्रह का आवर्तकाल टी है, और उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई
2.5 आर है ना, इसका टाइम पीरियड टी है, इसका आवर्तकाल टी है। एक दूसरा उपग्रह है जिसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है 6 आर, तो बेटा इसका टाइम पीरियड बताओ कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मनीष का आंसर है 2√2t। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना ही चाहिए। राहुल का 2√2t, दुर्गेश का 2√2t और भावा का भी सेम है। निक्की का भी सेम है, पूजा का सेम है, इंदिरा का सेम है, धर्मेंद्र का सेम है, गरिमा का सेम है, चरणजीत का सेम है, अनुराग का सेम है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका सॉल्यूशन कर दूं। हम जानते हैं टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर समानुपाती आर प्लस एच का होल क्यूब। स्मॉल आर को आर प्लस एच लिख सकते हैं बेटा। समानुपाती का मतलब होता है टी वन अपॉन टी टू, इसका वर्ग आर प्लस एच वन अपॉन आर प्लस एच टू के क्यूब के बराबर होगा बेटा। टी वन हमें टी दे रखा है, टी टू हमें टी डैश निकालना है। आर प्लस एच, एच वन 2.5 है और एच टू 6 है बेटा। यहां पर पावर 3/2 कर दिए, वो इधर वाला स्क्वायर था ना वो इधर ले आए, पावर हाफ हो गई। गौर से देखो, ऊपर बचेगा 3.5 और नीचे बचेगा 7। तो बेटा 3.5 और 7 जो है वो कट जाएगा, तो हमारा टी अपॉन टी डैश आ गया 1/2 की पावर 3/2। बेटा पावर 3/2 है ना, 2√2 हो जाएगा नीचे, और फाइनली आंसर आ जाएगा टी डैश बराबर 2√2t। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये प्रश्न, आसान था। इसे लिखे, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम।
हाँ बेटा अगला प्रश्न। डन सर। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बेटा एक सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो हमें उसकी गति स्पीड को चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि वो पलायन कर जाए। बस यही क्वेश्चन है, लिख लो। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट। एक उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इट्स स्पीड शुड बी इंक्रीज्ड, बाय व्हाट परसेंटेज इट्स स्पीड शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। इसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, इसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि यह पलायन कर जाए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, करो थोड़ा ध्यान से। जतिंदर 41%, जतिंदर 41%। और बोलो, मनीष का भी सेम आंसर है 41%। चलो मैं बताता हूं बेटा, अगर हमें किसी भी वस्तु को पलायन कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो के फाइनल और यू फाइनल दोनों जीरो कर दो। बस एक ही फंडामेंटल होता है एस्केप करने का, फाइनल एनर्जी जीरो कर दो। तो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा सैटेलाइट अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जीएमएम अपॉन स्मॉल आर। अभी स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पता हमें, और मैंने कहा ना अगर किसी को भी पलायन कराना है, एस्केप कराना है, तो के फाइनल यू फाइनल जीरो करना पड़ेगा। बेटा इसे सॉल्व करने पर सैटेलाइट की नई वेलोसिटी आएगी अंडर रूट टू जीएम बाई आर। इसको वी डैश लिख देते हैं, वी की जगह वी डैश लिख देते हैं। बेटा परसेंटेज चेंज मैंने आपको कितनी बार निकालना बताया होगा, फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस वन गुणा सो। किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज ऐसे निकलता है, अंतिम बटे प्रारंभिक माइनस वन गुणा सो। बेटा वी डैश हमारा है रूट टू जी एम बाय आर, और पहले हमारा सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट जी एम बाय आर माइनस वन इंटू हंड्रेड। बेटा कट पिट कर अंडर रूट जीएम बाई आर कट गया, तो ये रूट टू माइनस वन बचा, बाकी सब कट गया।
रूट टू 1.414 होता है, माइनस वन करोगे 0.414 आएगा, 100 से गुणा करोगे तो 41.4% आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने पलायन कराकर चाल निकाल ली, नई चाल नई स्पीड निकाल ली, और पुरानी स्पीड हमें पता थी अंडर रूट जीएम बाय आर था, परसेंटेज चेंज निकाल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा एक ये मान लो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सपोज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आर की एन पावर के समानुपाती है, कितनी, आर इज टू द पावर एन। सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to r raised to the power n, मान लेते गुरुत्वाकर्षण बल r की n power के समानुपाती है, तो बेटा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे किसी भी उपग्रह का आवर्त काल r की कितनी पावर के प्रपोर्शनल आएगा, ये बताइए, है ना, r की पावर k मान लो तो k का मान बताना है आपको। एक बार क्वेश्चन और सुन लो बेटा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं 1/r² होता है ना, तो 1/r² की जगह अगर मैं मान लूं ग्रेविटेशनल फोर्स r की n पावर के प्रोपोर्शनल है, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड r की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है बस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, मनीष कह रहा है -3n/4 और प्रियंका बोल रही है 3/2। प्रियंका बेटा n तो आएगा, के वैल्यू में n तो आएगा है ना, ओके 3n/2, ओके प्रियंका। राहुल भारद्वाज कह रहा है 3n/4। चलो बच्चा शुरू करते हैं, देखिए सोनम का आंसर है 3n/2। बेटा हम जानते हैं कोई भी सैटेलाइट जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। बेटा यहां पर है ना F proportional to R की पावर N दे रखा है, कांस्टेंट C मान लेते हैं, अपना C से कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो F बराबर हो गया C R की पावर N। अब हम जानते हैं सैटेलाइट के लिए क्या होगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये mv² / r के बराबर होगा। बेटा mv² / r की जगह मैं m ω² r भी तो लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है, सेंट्रीपेटल फोर्स के दोनों फार्मूले होते हैं,
बच्चा एफ का वैल्यू ऊपर से लिख दो, सी इंटू आर की पावर एन एम ओमेगा स्क्वायर आर। बेटा ओमेगा को हम टू पाई बाई टी लिख सकते हैं ना, ये सब पुराने फार्मूले हैं हमारे। तो बेटा ये वाला जो आर इधर बचा ना, ये वाला आर को इधर ले आओ, तो पावर एन माइनस वन हो जाएगी। तो ये हो गया सी आर की पावर एन माइनस वन एम फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर को इधर ले आओ, ये वाला टी स्क्वायर को इधर ले आओ और आर की पावर एन माइनस वन को इधर ले जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना तो पता ही होगा। जब r की पावर n माइनस वन को इधर लाएंगे तो वन माइनस एन हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा इधर आने पर। बेटा सब कुछ कांस्टेंट है तो t स्क्वायर r की पावर वन माइनस एन के प्रोपोर्शनल बचा, दोनों तरफ पावर को हाफ हाफ कर दो तो t बचा r की पावर वन माइनस एन बाई टू। तो बेटा हमारा k जो आएगा वो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आएगा, तो आपका इस हिसाब से आंसर तो गलत हो गया। n बराबर माइनस टू रखेंगे तो थ्री बाई टू आएगा, सही है। मेरा आंसर भी सही है, मैंने चेक कर लिया है ना, चेक करना भी आना चाहिए अपन को। तो बेटा आपका आंसर तो गलत हो गया, सभी लोगों का गलत हो गया, किसी का भी सही नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने एक नई चीज सीखी है, चलो इसे कॉपी करो और कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। सर चेक कैसे करेंगे या कि चेक कैसे करेंगे, सुन, नॉर्मली हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वन अपॉन आर स्क्वायर होता है। यस सर। और जब ये होता है तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर थ्री बाई टू होता है। हाँ। अपने सैटेलाइट में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर ये पावर तीन आनी चाहिए। तो पावर तीन कब आएगी, जब एन को, अब ये देखो ये आर की पावर माइनस टू हुआ, तो अगर मैं n को माइनस टू यहां पुट कर दूं, समझ गया, अगर यहां पर n बराबर माइनस दो लिख दूं तो r क्यूब आना चाहिए, आ रहा है। इससे पता लग रहा है कि मेरा आंसर सही है। बेटा ये सब चीजें तब सीखोगे जब प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें थ्योरी नहीं सिखाती, ध्यान रखना। कितना भी थ्योरी पढ़ लो ये चीजें कोई नहीं सिखाता, ये अनुभव बताता है। तो आपको अनुभव तब आएगा जब आप क्वेश्चन ज्यादा करोगे। भगवान आपको मौके पर मौका दे रहा है, पहले ही मई में होने वाला नीट आपका अगस्त में हो गया था, अब अगस्त में भी नहीं होने वाला आपको दिख ही रहा है। तो बच्चा आपको मौके पर मौके मिल रहे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। कितने मौके देगा भगवान। तो आपके पास समय है बेटा, पढ़ लो। बेटा और कोई डाउट पूछना है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं पूछना तो सैटेलाइट मोशन के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों एक छोटी सी अप्रोच और बताता हूँ, सुनो बेटा, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है बेटा, ठीक है। अब हमसे ये पूछेगा, ये थ्योरेटिकल है बेटा अप्रोच, अगर मैं इस सैटेलाइट का, ये सैटेलाइट है, अगर इस सैटेलाइट का थोड़ी से भी वेग बढ़ा दूं तो क्या होगा। एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अचानक हम उसका थोड़ा सा वेग बढ़ा दें तो क्या होगा। बच्चों इतना मत बढ़ा देना, अगर इतना बढ़ा दिया तो पलायन कर जाएगा, अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने, ये देखो इतना नहीं बढ़ाना, थोड़ा बहुत बढ़ाना है, 5-10% बढ़ा दो तो क्या होगा, बता सकते हो। किसी भी बच्चे को पता हो तो बोलो, इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा बेटा, इसका इसकी कक्षा है ना इलिप्टिकल बन जाएगी ऐसे, ये देखो दीर्घवृत्ताकार कक्षा बन जाएगी ये, अच्छी चीज है, लिख लेना, मजाक नहीं करना। मैं क्या लिखोगे,
एक उपग्रह सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक उपग्रह वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, यदि हम इसका वेग बढ़ा दें, परंतु 41.4% से कम बढ़ाना है बच्चा, यदि हम इसका वेग बढ़ा दें तो यह तुरंत वृत्ताकार कक्षा को छोड़कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, डायग्राम बना लो। अगर हम इसकी वेलोसिटी बढ़ा दें थोड़ी सी तो ये सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़कर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगता है बेटा, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और अगर आपने 41.4% से ज्यादा बढ़ा दी तो बेटा फिर ये भगवान के पास चला जाएगा, ठीक है, एस्केप कर जाएगा ये। चलो बेटा लास्ट टॉपिक है केपलर के नियम। बेटा केपलर के जो नियम है, केपलर्स लॉ जो है, वो प्लेनेटरी मोशन के लिए होते हैं सन के अराउंड। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ना, कौन कौन से ग्रह हैं भैया, एक बार नाम बोलिए। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स, मार्स, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ, हिंदी में बोलेंगे सबसे पहले मर्क्यूरी, बेटा मैं गलत बोल गया, सॉरी मैं गलत बोल गया, सबसे पहले मर्क्यूरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, फिर अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, ये सही बोला है मैंने, है ना? यस सर। फिर जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस यानी कि यूरेनस, नेपच्यून यानी कि नेपच्यून। तो बेटा सूरज के सबसे पास कौन है, ये हमारा सन है, सन मून नहीं मर्क्यूरी। तो बेटा ये सारे के सारे प्लैनेट जो है ना, ये सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन इनका जो पाथ है ना बेटा, इनका जो रास्ता है वो वृत्ताकार पथ नहीं है, वो इलिप्टिकल पाथ है। क्या है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्त में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन नहीं है। तो बच्चों केपलर्स फर्स्ट लॉ यही है, लिखो केपलर का प्रथम नियम। इसका नाम होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लिखो केपलर्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर का प्रथम नियम यानी कि कक्षा का नियम। बस इसमें तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ नहीं। लिखो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। लिखना है बेटा, लिखना है, मजाक नहीं है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं All planets are revolving around the sun in elliptical orbit. All planets are revolving around the sun in elliptical orbit. सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, फुल स्टॉप। सूर्य दीर्घ वृत्त के फोकस पर स्थित होता है बेटा, फोकस अलग होता है, सेंटर अलग होता है। Sun is situated at focus of the ellipse. Sun is situated at focus of ellipse. तो बच्चों मैं आपसे कह रहा था सेंटर अलग होता है, फोकस अलग होता है। तो हमारे सूर्य देवता यहां पर चमक रहे हैं, देखो सेंटर पर नहीं है ये, फोकस पर है, ये फोकस होता है एलिप्स का। और जो हमारा ग्रह है वो ऐसे घूम रहा है,
ये हमारा प्लेनेट है, अभी तो हम अपनी पृथ्वी को ही मान लेते हैं, तो पृथ्वी ऐसे दीर्घ वृत्त में घूम रही है, ऐसे इस तरह से घूम रही है पृथ्वी बेटा। तो डायग्राम बनाओ तो बनाओ, अभी मत बनाओ डायग्राम, अगले में बना लेना, ठीक है। अब लिखो केपलर सेकेंड लॉ, बस केपलर का पहला नियम इतना सा ही था। अब लिखो केपलर सेकेंड लॉ, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, केपलर का द्वितीय नियम यानी कि क्षेत्रफल का नियम। किसी को पता है बेटा, थोड़ा सा बताओगे? सर द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन इज इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शाबाश शाबाश, कुछ कुछ आवाजें सुनकर अच्छा सा लगता है, वेरी गुड बेटा। सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, रेडियस वेक्टर बोलते हैं उसे, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। अभी डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो बच्चों यही वाला डायग्राम मुझे नीचे लेकर जाना है, एक्चुअली इसी में समझाता हूं। ये देखो, तो भैया जैसे मान लो हमारा जो सन है वो पृथ्वी से, हमने ये लाइन मिला दी, इसको ले लेता हूं। ये जो लाइन है इसने बेटा इतना क्षेत्रफल बनाया, ये देखो ये क्षेत्रफल कवर किया। अब हमारी पृथ्वी जब बाकी अन्य पोजीशन पर होगी, अन्य किसी स्थिति पर होगी, जैसे मान लो यहां पर है, तो बच्चों अगर डेल्टा टी टाइम में इधर वाला क्षेत्रफल है तो डेल्टा टी टाइम में ये क्षेत्रफल भी उतना ही होगा जितना वो वाला क्षेत्रफल था। ये दोनों एरिया एकदम बराबर होंगे बेटा। तो आप इस डायग्राम को एक बार बनाओ, मैं लिखा देता हूं फिर आपको, है ना। मैं लिखा दूंगा, परेशान नहीं हो, आप डायग्राम बना लो एक बार। लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। हाँ लिखो बेटा, इसमें लिखो लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ब्रैकेट में लिख दो रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, sweeps equal area in equal time interval। हिंदी में लिखो, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, ब्रैकेट में लिख दो त्रिज्या सदिश, त्रिज्या सदिश ब्रैकेट बंद, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है,
तो बच्चों डेल्टा टी टाइम में जितना एरिया इधर लेफ्ट वाला था उतना एरिया राइट वाला होगा। ये क्षेत्रफल अगर ए है तो इधर वाला क्षेत्रफल भी ए होगा, दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि समय बराबर है। बच्चों इसे एरियल वेलोसिटी कहते हैं, ए आर ई ए एल, एरियल वेलोसिटी कहलाता है, हिंदी में क्षेत्रीय वेग। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? डीए बाय डीटी लिख लो। एरियल वेलोसिटी होता है एकांक समय में तय किया गया क्षेत्रफल, त्रिज्या सदिश द्वारा एकांक समय में तय किया गया क्षेत्रफल। एरिया सीप्स बाय रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, एरिया स्वीप्स बाय रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, त्रिज्या सदिश द्वारा एकांक समय में तय किया गया क्षेत्रफल, इसे क्षेत्रफल एरियल वेलोसिटी कहते हैं, क्षेत्रीय वेग। क्षेत्रीय वेग डीए बाय डीटी से लिखते हैं बेटा, डीए बाय डीटी ये होती है एरियल वेलोसिटी, एरिया अपॉन टाइम। और बच्चों इसकी वैल्यू होती है एल अपॉन टू एम, ये याद रखना है अब आपको। अब आप में से कोई बताएगा मुझे ये एल क्या है और एम क्या है? थोड़ी थोड़ी मेहरबानी कर दो यार, अच्छा लगता है आपके मुंह से सुनना। बता दो मत शर्माओ यार। नहीं पता सर, शायद एम बी आर होगा। हाँ सही है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, ग्रह का कोणीय संवेग, और एम है मास ऑफ प्लेनेट। लिख लो, एल है ग्रह का कोणीय संवेग और एम है ग्रह का द्रव्यमान। ये डायग्राम वगैरह सब बनाने हैं बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ना। L है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, ग्रह का कोणीय संवेग, और M है ग्रह का द्रव्यमान। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने ऊपर लिखवाया ना, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसका मतलब प्लेनेट्स के लिए, ग्रहों के लिए क्षेत्रीय वेग नियत होता है, डीए बाय डीटी कांस्टेंट होता है, तभी तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप तभी करेगा जब डीए बाय डीटी कांस्टेंट होगा। अर्थात किसी भी ग्रह का कोणीय संवेग हमेशा नियत होता है। बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अर्थात ग्रह का कोणीय संवेग नियत होता है, एम वी आर बराबर कॉन्स्टेंट। समझे? ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अर्थात ग्रहों का कोणीय संवेग नियत रहता है। लिख लेना, हिंदी में लिख लो इस लाइन को। अर्थात ग्रहों का कोणीय संवेग नियत रहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट रिमेन कॉन्स्टेंट और कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट रिमेन कॉन्स्टेंट। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ढंग से इसको, तो मैं बॉक्स में डाल देता हूं अभी, लेकिन एक बात और बता रहा हूं बच्चा, सुनते जाओ, बहुत सारी बातें बतानी है आपको। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये हमारा ऑर्बिट है बेटा, एक ये मेजर एक्सिस कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा? मेजर एक्सिस।
ये माइनर एक्सिस कहलाती है, हिंदी में बोलते हैं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। और हमने जैसा बताया हमारे सूरज देवता यहां चमक रहे हैं। बच्चों MVR कांस्टेंट है, इसका मतलब जब हमारा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा, जैसे मान लो यहां पर है हमारा ग्रह, तो उसका वेग उस समय न्यूनतम होगा, ये v मिनिमम होगा क्योंकि r मैक्सिमम है। और बच्चों जब हमारे ग्रह की दूरी मिनिमम होगी, देखो अगर हमारा ग्रह यहाँ है, पृथ्वी मान लो पृथ्वी यहाँ है, तो दूरी मिनिमम है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसा मैंने क्यों बोला बेटा, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि v और r का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, देख लो v और r का गुणनफल नियत है, तो जब r अधिकतम होगा तो v न्यूनतम होगा, क्योंकि गुणनफल आपको समान रखना है, और जब r न्यूनतम होगा तो v अधिकतम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि v मैक्सिमम होगा जब r मिनिमम होगा, और v मिनिमम होगा जब r मैक्सिमम होगा। ये लिख लो बेटा डायग्राम के साथ, v मिनिमम होगा जब r मैक्सिमम होगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं v मैक्सिमम और v मिनिमम का जो अनुपात है वो r मैक्सिमम और r मिनिमम के अनुपात के बराबर होगा। बच्चों डायग्राम के साथ लिखना ये जो भी लिखना है। पहले डायग्राम बनाओ फिर ये कॉपी करो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, हाँ सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो बच्चों ये बहुत काम की चीज थी जो मैंने बताई, अधिकतम और न्यूनतम वेग का अनुपात। इसका मतलब बेटा हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, हमारी पृथ्वी इसके चाल नियत नहीं होती है भैया, ये ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी की चाल नियत नहीं है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उस समय हमारी पृथ्वी का वेग अधिक होता है, जब हमारी अर्थ सन के क्लोज होती है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जब सन से दूर होती है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। ये अर्थ के साथ भी होता है, मैं बता दूं। बच्चों बहुत देर से पूछा नहीं, मैं पूछ लेता हूं, आवाज वगैरह सब ढंग से आ रही है ना? यस सर। यस सर। हां बेटा, कल गड़बड़ हो गई थी, बहुत देर तक मैं बोलता रहा था और आपको कुछ नहीं सुनाई दिया था। चलो बच्चा ये सब कुछ जो मैंने बताया ये केपलर का दूसरा नियम था, और अब आप इसके बाद लिखो थर्ड लॉ ऑफ केपलर, केपलर्स थर्ड लॉ। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्त काल का नियम। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्त काल का नियम। किसी को आता है? एक मिनट बोल दो भैया, अच्छा लगेगा। किसी ग्रह के भी द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर ऑफ एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस तो बाद में बोलेंगे, वो तो कंक्लूजन है।
अभी बोलेंगे क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, है ना। चलो लिखो, पहले शब्दों में लिखो, लिखो ग्रह का सूर्य के चारों ओर, ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमने का आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है, उसकी सूर्य से औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है ना। इंग्लिश में लिखो बेटा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस, directly proportional to cube of average distance between sun and the planet. लिखने में कभी कभी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू आर क्यूब, कॉन्स्टेंट होता है 4π² अपॉन जी एम एस। एमएस क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। मास ऑफ सन होगा, सन का मास कितना होता है? वैसे आपको याद नहीं रखना, पर मैं सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं। पहले भी एक बार किसी जगह बताया था मैंने शायद, ये 2×10³⁰, 333,000 पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है। ये सूर्य का द्रव्यमान 333,000 पृथ्वी के बराबर है। बहुत ज्यादा होता है। अब है ना, जतिन ने जो बताया ना, मैं वो और बता दूं, वो भी काम की चीज है। ये मैंने कहा ना एवरेज डिस्टेंस, दरअसल बेटा ये जो इलिप्स होता है, एक मिनट यार एक चीज और बता दूं, हो सकता है आपको 4 नंबर का बेनिफिट हो जाए मेरे छोटी छोटी बातों को बताने से। बच्चों जैसे ये इलिप्स होता है ना दीर्घ व्रत, तो मैंने अभी अभी आपको बताया दीर्घ व्रत में एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। तो बेटा दीर्घ व्रत में ये पूरा डिस्टेंस है ना 2a होता है, कितना 2a, और ये पूरा डिस्टेंस 2b होता है। ये मैथमेटिक्स की टर्म्स है बेटा, ये 2b होता है, ये 2a होता है। ऐसा बोल लो सेंटर से यहां तक ये a होता है और ये b होता है। बेटा आपको याद होगा हमने एक है ना, हम इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते थे, याद है, x² / a² प्लस y² / b² = 1। वहां पर जो a और b होता है ये वही है। a यहां से यहां तक की दूरी है, देखो मैं ग्रीन लाइन से बना रहा हूं, ये a है और ये वाली ग्रीन लाइन जो बना रहा हूं ये b है। तो a जो कहलाता है ये पूरा 2a मेजर एक्सिस है और a उसका आधा है, इसलिए a कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब आधा, और बी कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस यानी कि आधा। हाँ तो बच्चों मैं ये कह रहा था आपको, ये जो एवरेज डिस्टेंस है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये अधिकतम और न्यूनतम आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का औसत होता है। औसत दूरी हम क्या बोलेंगे, अधिकतम दूरी प्लस न्यूनतम दूरी डिवाइडेड बाय 2। बेटा अब आप बता सकते हैं सूर्य से अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी का योग कितना है? मेरा बच्चा ये तो मैक्सिमम में लिखा तो है और ये मिनिमम है, तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम 2a हो गया ना।
सर। तो आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम 2a हो गया, 2 से 2 कट गया तो ये a आ गया। तो आपको याद है जतिन ने बोला था शुरू में, वो यही बोला था t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब होता है, वो अब आया है जतिन, शुरू में नहीं बोल सकते बेटा इसको, है ना, ये कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन हमने अब निकाल लिया है, इसको भी याद रखना है, ये आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब कुछ लिख लो इस पेज पर है, ऊपर वाला नहीं लिखा हो तो मुझे बोल दो। और बच्चों इसके साथ ही चैप्टर भी खत्म, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है ये क्वेश्चन ही है आपके लिए डायरेक्ट, है ना। तो इसे लिखो, आपको जो पूछना है ग्रेविटेशन में वो पूछो, 15-20 मिनट बचे हैं, मैं इलास्टिसिटी एक बार स्टार्ट करूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा आज। लेकिन अगर आपके डाउट हुए तो डाउट पहले बताऊंगा। पॉज हो गया क्या? पॉज हो गया? नो सर। नहीं हुए बेटा, नहीं हुए, हाँ नहीं हुए, नहीं हुए, लिखो इसको। ये ग्रेविटेशन के कंप्लीट नोट्स हैं, आज मैं सेंड भी कर दूंगा इनको। मुझे लगा आज आधा घंटा लगेगा, पर एक घंटा लग गया। बच्चों लिख लिया हो तो बोल दो भाई, आगे बढ़ जाएं हम। यस सर, डन सर। ये लो। तो बच्चों ये हमारा अगला चैप्टर है, शुरू करें। यस सर। बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये होता है वैसे चैप्टर का नाम। इसमें तीन, एक तरह से चैप्टर कह लीजिए, तीन चैप्टर आते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के यांत्रिक गुण, ये कह लीजिए। इसमें मेनली छोटे 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 मोटे तीन चैप्टर आते हैं। कौन कौन से बच्चा? इलास्टिसिटी जो मैं अभी शुरू कर रहा हूं, दूसरा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता। yes, और तीसरा चैप्टर है विस्कोसिटी यानी कि शांतता। ये तीनों चैप्टर मिलकर एक चैप्टर बनाते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, छोटे छोटे हैं तीनों। तो उसमें बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी। बेटा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से आप किसी पदार्थ को खींचो या दबाओ। जैसे अगर हम एक तार को खींचें या गेंद को दबाएं, बॉल को दबाएं, जब हम किसी तार को खींचते हैं या बॉल को दबाते हैं तो हमारा फोर्स हटाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद, वो वस्तु अपने प्रारंभिक स्वरूप में आ जाती है, वापस से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। आप वायर को खींचो फिर छोड़ो
तो वायर अपनी लेंथ वापस ले लेगा। बॉल को दबाओ और बॉल को दबा कर छोड़ो, बॉल वापस अपनी शेप रिगेन कर लेगी। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को, पदार्थ के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। हाँ, तार को खींचा, खींच गया, छोड़ा, वापस चला गया। गेंद को दबाया, दब गई, छोड़ा, वापस आ गई। तो ये इलास्टिसिटी कहलाता है बेटा, और ये इंटर मोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है, अंतर आणविक बलों की वजह से। दरअसल पदार्थ में, मैटर में जो दो मोलिकुल होते हैं ना बेटा, दो एटम बोल दो, दो एटम, दो अणु या परमाणु जो होते हैं, वो एक निश्चित दूरी पर साम्यावस्था में होते हैं। बच्चों इसमें से कुछ लिखाऊंगा नहीं, कहानी है, सुनते रहना। किसी भी पदार्थ के दो अणु साम्यावस्था में होते हैं, उसे साम्यावस्था दूरी आर नॉट कहते हैं ना, कुछ भी बोल दो। जब हम तार को खींचेंगे तो दोनों अणु दूर जाएंगे, और बेटा जब वो दूर जाते हैं तो स्प्रिंग की तरह उन पर अंदर की तरफ प्रत्यानयन बल लगता है। स्प्रिंग को खींचते हैं तो अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है ना, उसी तरह जब आप तार को खींचोगे तो दोनों एटम, दो मोलिकुल दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, दूर चले जाएंगे, तो उन पर अंदर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसलिए जब आप छोड़ोगे ना तार को, तो उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस आ जाएंगे। समझ गए? इसी तरह जब हम किसी बॉल को दबाएंगे, बॉल को कंप्रेस करेंगे, तो एटम्स पास आते हैं, अणु पास आ जाते हैं, अणु परमाणु। बेटा जब दो एटम पास आएंगे, दो मॉलिक्यूल पास आएंगे, तो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को दबाते हैं तो बाहर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगता है ना, उसी तरह जब दो एटम पास आएंगे तो उन पर भी बाहर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसलिए बॉल को दबाने के बाद जब बॉल को वापस छोड़ोगे तो उसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, अपनी आकृति वापस प्राप्त कर लेगा। बच्चों पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थ है। अब देखो मैंने पूरी कहानी सुना दी, समझे? तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, वैसे ग्राफ किसी खास काम का नहीं है, पर इंटरमोलिकुलर फोर्स का ग्राफ है, बना देता हूं। तो बेटा अंतर परमाणविक, अंतर आणविक बल का ग्राफ है ये, इंटरमोलिकुलर फोर्स का ग्राफ ऐसा होता है। दो अणुओं के बीच की दूरी और उनके बीच लगने वाला अंतर आणविक बल, एफ क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इंटर एटॉमिक फोर्स, आर उनके बीच का डिस्टेंस है। तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, देखो। ऐसा ग्राफ बनता है। तो आप देखिए एक विशेष दूरी पर, ये दूरी आर नॉट ले लेते हैं, दोनों बलों के बीच परिणामी बल जीरो है, देखना यहां फोर्स जीरो है। जब हम दूरी को r से कम करेंगे, r से भी कम करेंगे, तो दोनों अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मैंने कहा ना बाहर की तरफ प्रत्यानयन बल लगता है, यानी कि दोनों अणु एक दूसरे को रिपल करते हैं। बेटा ये रिपल्सिव फोर्स को शो कर रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स है प्रतिकर्षण बल। लेकिन बच्चों जब दोनों अणुओं को दूर ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को शो कर रहे हैं, ये है अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा दूर मत ले जाना, अगर आप दो अणुओं को बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे, यानी कि तार को कुछ ज्यादा ही खींच दोगे, तो आप देखो बहुत ज्यादा दूर ले जाने के बाद ये अंतर आणविक बल तेजी से घटकर शून्य हो जाते हैं, यानी कि दो अणुओं के बीच बल खत्म हो जाएगा और तार टूट जाएगा। तो बेटा ज्यादा खींचातानी नहीं करनी, थोड़ा बहुत ही खींचना है बस, ये ध्यान रखो। ये ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बना लो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सारी बातों को, आप पहले ग्राफ बना लो। बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते, खूब बोलते हैं हम। बेटा वाई एक्सिस पर जो एफ है वो है अंतर आणविक बल, लिख लेना, इंटरमोलिकुलर फोर्स।
और एक्स एक्सिस पर जो आर है वो है अंतरआणविक दूरी, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, पदार्थ के दो अणु हमेशा साम्यावस्था में रहते हैं निश्चित दूरी पर, वो निश्चित दूरी आर नॉट होती है ना। किसी भी मैटर के दो एटम, दो मॉलिक्यूल हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जब हम वायर को खींचते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाने पर उनके बीच आकर्षण लगता है। दोनों मॉलिक्यूल दूर जाते हैं उनके बीच अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन की वजह से जब हम तार को वापस छोड़ेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम अपनी जगह वापस आ जाएंगे। इसी तरह जब हम बॉल को दबाते हैं तो दोनों एटम एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सिव फोर्स। इसलिए बॉल को छोड़ने पर उसी प्रतिकर्षण के कारण दोनों मॉलिक्यूल, दोनों अणु एक वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। बच्चों मैं कई बार बोल चुका हूं, अब तो रट भी गया होगा, इतनी बार बोल दिया। और यही गुण होता है प्रत्यास्थता, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बच्चों इस चैप्टर में पहले कुछ परिभाषाएं हैं वहां पढ़ लेते हैं। लिखो स्ट्रेस, प्रतिबल। एक लाइन में फटाफट बोल दो स्ट्रेस क्या है। Restoring force upon area of cross-section. Correct. हिंदी में लिख दूं या प्रतिबल? लिखो बेटा, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल प्रतिबल कहलाता है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। बच्चों एक बात बताओ यार, दाब भी तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है प्रेशर। फिर स्ट्रेस और प्रेशर में, प्रतिबल में और दाब में क्या अंतर है बताओ? दोनों ही तो फोर्स अपॉन एरिया है और दोनों का मात्रक एसआई यूनिट वही पास्कल होता है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है बेटा। अरे बोलो यार कुछ तो बोलो सर। प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है सर? सर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है प्रेशर। कौन सी डायरेक्शन में सर? उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं ना प्रेशर तो। हाँ बेटा, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम बताओगे, कौन सी डायरेक्शन होती है? सही बोला इस लड़की ने, मेरी बात सुना। परपेंडिकुलर, यस। बच्चों जो स्ट्रेस होता है ना उसमें तो आप फोर्स है ना किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। हमारी सतह के समांतर भी बल लगा सकते हैं, सतह के लंबवत भी लगा सकते हैं, तिरछा भी लगा सकते हैं, कैसे भी बल लगा लो प्रतिबल में, स्ट्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रेशर होता है ना वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन उसमें जो फोर्स लगाते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो फोर्स की डेफिनेशन जब हम, सॉरी फोर्स नहीं, प्रेशर, जब हम प्रेशर की डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। तो बच्चों ये अंतर है स्ट्रेस में और प्रेशर में, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस। बात समझ में आई भैया? प्रतिबल भी बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, दाब भी बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, लेकिन प्रतिबल में आप बल कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन दाब में आपको बल सतह के लंबवत लगाना है। इंग्लिश में बोलता हूं,
स्ट्रेस एंड प्रेशर बोथ आर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बट व्हेन वी डिफाइन स्ट्रेस वी कैन अप्लाई फोर्स इन एनी डायरेक्शन बट इन प्रेशर फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये बात ऐसा यूनिट पास्कल होता है, एक पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा. अब तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. नंबर वन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, हिंदी में बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल. अनुदैर्ध्य प्रतिबल बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हम तब लेते हैं जब हम किसी तार को खींचते हैं. मान लो ये वायर है और इस नहीं, ये वायर नहीं है, ये तो दीवार है, और यहां पर कोई तार लग रहा है, ये वायर है. इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं तार को, है ना, ये कोई तार है. अब इस वायर को जब हम खींचेंगे इधर इधर इधर, ये हमने फोर्स लगाया F, तो बेटा चूंकि यहां पर लगाया जाने वाला, मेरी आवाज आ रही है बेटा या नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है. ओके ओके ओके, तो मैं फिर से बोलूं, क्योंकि बच्चों यहां पर जो हम बल लगा रहे हैं वो लंबाई के अनुदिश है, तो लंबाई के अनुदिश यानी कि लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल है. लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अलोंग द लेंथ होता है. बच्चों फार्मूला तो वही रहेगा एफ अपॉन ए, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा एफ अपॉन ए. बेटा यहाँ ए कौन सा लेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया. हाँ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, पाई आर स्क्वायर. आर इस मोटे तार की त्रिज्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम तब यूज करते हैं जब हम तार को खींचते हैं, जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, तो वहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल काम में लेते हैं बेटा. नंबर टू, वॉल्यूम स्ट्रेस, आयतन प्रतिबल. बेटा आयतन प्रतिबल हम वहां काम में लेते हैं जहां पर वस्तु का आयतन बदलता हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो. सुन रहे हैं आप? हाँ बेटा, कंफर्म करना पड़ता है ना. तो मैं कह रहा हूं आपको, है ना, बल इस तरह से लगाना है किसी वस्तु पर, किसी बॉडी पर फोर्स को आपको इस तरह से लगाना है बच्चा कि, है ना, उसका आयतन बदलना चाहिए परंतु उसकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए. बताओ कैसे करोगे? आपको उसका वॉल्यूम चेंज करना है परंतु शेप नहीं बदलनी चाहिए. अगर गेंद है तो गेंद रहनी चाहिए, तो बेटा उसके लिए आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा हर डायरेक्शन से, इधर से भी दबाओ, इधर से भी दबाओ, इधर से भी दबाओ, हर तरफ से फोर्स लगाओ, चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा. ऐसे इधर से लगाओ, इधर से भी लगाओ, इधर से भी लगाओ. तो बेटा ये जितने भी फोर्स है ना, ये सब सरफेस के परपेंडिकुलर हैं. जब आप सतह के लंबवत चारों तरफ से बल लगाएंगे तब उसका आयतन बदलेगा परंतु आकृति नहीं बदलेगी, शेप चेंज नहीं होगा. ये कहलाता है वॉल्यूम स्ट्रेस. तो वॉल्यूम स्ट्रेस में जो हम फोर्स लेते हैं वो नॉर्मल फोर्स लेते हैं बेटा. क्या लेते हैं? नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब लंबवत होता है, परपेंडिकुलर. हाँ, और बच्चों नॉर्मल फोर्स लेने की वजह से हमारा ये वॉल्यूम स्ट्रेस दाब के बराबर हो गया. ध्यान रखिएगा,
वॉल्यूम स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू प्रेशर, आयतन प्रतिबल दाब के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो बल लेते हैं सतह के लंबवत लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया, जब हम सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं तो वो दाब बन जाता है। नंबर थ्री, नंबर थ्री, तीसरा होता है बेटा शियर स्ट्रेस, हिंदी में क्या बोलते हैं कौन बता रहा है? कोई बता रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय बोलेंगे क्या? क्या 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 फिर से बताओ। स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय अपरूपण बोलते हैं, वैसे इसका नाम शुद्ध हिंदी जो होती है शियर स्ट्रेस यानी कि अपरूपण प्रतिबल। लेकिन तुमने बात सही बोली, इसमें है ना बल जो लगाते हैं वो सतह के समांतर लगाते हैं, स्पर्श रेखीय, इसलिए कुछ लोग इसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी बोल देते हैं। तो बच्चों हिंदी में दो नाम लिख लो, अपरूपण प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, अब सुनिए बेटा, इसमें जो हम फोर्स लगाते हैं वो सरफेस के पैरेलल लगाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो ये बॉक्स है, बच्चा ढंग से सुनना, ये एक क्यूब है, घन 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 घन। बच्चों आपने इस घन को जमीन से बढ़िया ढंग से चिपका दिया, ये देखो इस घन को, इस क्यूब को अच्छे से जमीन से बढ़िया ढंग से चिपका दो आप, और ऊपर वाली सरफेस पर बल लगाओ, ऐसे स्पर्श रेखीय बल लगाओ, ये देखो ऐसे रगड़ मारो रगड़। तो बेटा ये जो फोर्स हमने लगाया है ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस बराबर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस जो था वो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया था, ये टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया है। और बच्चों ये वाला फोर्स लगाने से क्या होगा? वस्तु की आकृति बदल जाएगी लेकिन आकार नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने रगड़ मारी है, रगड़ मारने से वॉल्यूम नहीं बदलता लेकिन आकृति बदल जाएगी। तो बेटा एफ टी, टी का मतलब लिख लेना टेंजेंशियल फोर्स स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल अपॉन क्षेत्रफल, ये होता है शियर स्ट्रेस यानी कि अपरूपण प्रतिबल। तो बच्चों ये तीन तरह के प्रतिबल हमने लिखे। अब है ना इसके बाद अगले लेक्चर में हम स्ट्रेन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेन यानी कि क्या बोलते हैं, विकृति, ये कल पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के। अभी नोट्स भेज देता हूं आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा? तो आज का लेक्चर यहीं रोकें, टाइम भी हो गया आपका, अगली क्लास में भी जाना है। ओके सर, चलिए बाय।